हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 की हॉर्नबिल बुक का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है डिस्कवरिंग टट्स, ये करेंगे। डिस्कवरिंग टट्स द सागा कंटिन्यूज, जो कि किसने लिखा है? ए आर विलियम्स ने। ये जो टट है ना, ये एक किंग का नाम है। यहाँ पे जो फोटो दी गई है ना, ये उसी की फोटो है। तो चलिए हम चैप्टर देखते हैं, क्या है चैप्टर में। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। उसकी डेथ कब हो गई थी? जब वो टीनेजर था। टीनेजर कौन सी एज होती है? 13 से लेके 19 तक की। द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। यहाँ पे हेयर का मतलब क्या है? वारिस, मतलब कि ये जो राजा था, ये इकलौता वारिस था उन एम्पायर में जहां पे इजिप्ट में राजाओं ने रूल किया था उनका। ये इकलौता वारिस था और उन्होंने बहुत सेंचुरीज तक वहां पे रूल किया था। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। लेडन मतलब क्या होता है? लेडन मतलब होता है लदा हुआ। जब इसकी डेथ हुई थी ना, तो इसे पूरे सोने से लाद कर दफनाया गया था और उस टाइम भूल गए थे। फिर सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, जब आर्कोलॉजिस्ट ने डिस्कवरी की, तो इसका टॉम कहाँ मिल कब मिला? 1922 में। टॉम क्या होता है? मकबरा, जहाँ उनकी लाश दफनाई जाती है। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड। स्पेकुलेटेड क्या होता है? गेस करना। उन्होंने क्या गेस किया जब ये पाया गया कि इनकी मौत किससे हुई होगी? तो उन्हें क्या लगा कि शायद इनका मर्डर हुआ था। एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, मतलब कि ज्यादा पॉसिबिलिटीज क्या लग रही थी कि इनका मर्डर ही हुआ है, इसी कारण से इनकी डेथ हुई है। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। जो इनका टॉम था कब निकला था? 80 ईयर्स के बाद। टट हैज अंडरगोन अ सिटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। अब टट का जो टोम था, उसमें से जब उनकी बॉडी निकाली गई, तो क्या बताया जा रहा है कि वो उनका कहाँ जाएगा? सिटी स्कैन होने, ताकि उसमें से सिटी स्कैन होने के बाद उन्हें पता लग सके और क्लूज मिल सके कि उनकी डेथ किस वजह से हुई थी। एंड प्रोवाइड्स अ प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन फॉर अ बॉयश फोरा। यहाँ पे फेरोआ क्या होता है? एक राजाओं की जाति होती थी, उसे बोला जाता है फेरोआ। तो अब क्या बताया गया है कि जो उनकी बॉडी है कहाँ ले जाई जाएगी? फोरेंसिक लैब में, और वहां पे उसको रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा ताकि उससे प्रिसाइज डाटा मिल सके कि उनकी डेथ कैसे और कब किस वजह से हुई थी। अब क्या होता है? एन एंग्री विंड स्टार्ड अप एंड गोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। अब क्या बताया जा रहा है कि जब वो किंग के उस बॉडी को बाहर निकाल रहे थे, तो वहां पे बहुत एंग्री विंड, मतलब बहुत गुस्से वाली हवा चल जाती है, और जैसे जैसे उसे बाहर निकाल रहे थे, तो जो गॉस्टली डस्ट डेविल्स था, मतलब भूतिया हवा सी वहां पे चलने लग जाती है। और क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो टट की बॉडी थी वो कहाँ दफनाई गई थी? एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री। सिमेट्री किसे बोलते हैं? कब्रिस्तान को, जहाँ पे उनका बॉडीज को दफनाया जाता है, जहाँ पे उनकी कब्र बनाई जाती है। और उस कब्रिस्तान का नाम क्या था? द वैली ऑफ द किंग्स, जहाँ पे सिर्फ किंग्स की बॉडी ही दफनाई जाती थी। डार्क वैलीड क्लाउड्स हैड सक्यूडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल द डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड्स ग्रे। यहाँ पे वेलिंग का मतलब क्या होता है? मतलब पर्दा। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि पूरे दिन से वहां पे काले बादल छाए हुए थे, सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा था, और अब जब शाम हुई है तो जो सितारे थे उन्हें भी उस अंधेरे ने ढक लिया है, उनपे पर्दा डाल दिया गया, वो स्टार्स भी वहां पे नहीं दिख रहे हैं। इट वॉज 6 PM ऑन 5 January 2005। ये कब की बात है? 5 January 2005 और 6 बजे की। द वर्ल्डेस्ट मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इन टू अ सिटी स्कैनर ब्रॉट हेयर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्री ऑफ दिस लिटल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स एगो। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये वर्ल्ड की पहली मोमी होगी जिसका सर सिटी स्कैन में डाला जाएगा। और उससे क्या होगा, जब ये सिटी स्कैन में उसका सर डालेंगे तो उससे क्या होगा, जो उसकी डेथ थी, जब उसकी डेथ कितने साल पुरानी हुई थी? 3,300 ईयर्स एगो। पहले की जो उसकी डेथ हुई थी, उसकी सारी मौत की गुत्थी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे लिंगरिंग है ना, लिंगरिंग को क्या बोलते हैं? अनसॉल्व्ड। जो अनसॉल्व उसकी मिस्ट्री थी वो सॉल्व हो जाएगी। अब
अब क्या बताया जा रहा है? ऑल आफ्टरनून द यूजली लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टॉम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट्स। अब क्या बता रहे हैं कि दुनिया भर के दूर दूर से टूरिस्ट आए हुए थे उनको देखने के लिए, किसको? टट के टॉम को देखने के लिए। और वो टॉम कहाँ था? 26 फीट अंडरग्राउंड, मतलब 26 फीट जमीन के नीचे था, और वो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए वहां पे आए थे। दे गेज्ड, गेज्ड मतलब क्या होता है? टकटकी लगा के देखना होता है ना, कि एक साथ हम एक चीज को देखते रहे, उसको बोलते हैं गेज्ड। दे गेज्ड एट द मुराल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट द टट्स ग्लाइडेड फेस। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो वो टूरिस्ट थे वो मुराल्स देख लेते थे। मुराल्स क्या होते हैं? पेंटिंग्स होती है ना, जो दीवारों पे पेंटिंग्स लगी हुई थी उनको बोलते हैं मुराल्स। और वो दीवारें कहाँ की थी? ब्यूरियल चैम्बर। ब्यूरियल चैम्बर क्या होता है? जहाँ पे दफन कक्ष होता है ना, जहाँ पे दफनाया जाता है, उसको बोलते हैं ब्यूरियल चैम्बर। और किसको देख रहे थे वो? टट के फेस को, जो कि चमक रहा था ऐसे सोने की तरह। ये फेस है ना उसका, बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था, क्योंकि वो सोने से ही बना हुआ था। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। जी, जो टट था किसमें रखा हुआ था? कॉफिन। कॉफिन क्या होता है? एक बॉक्स होता है जिसमें लाश रखी जाती है। तो ये कॉफिन सोने से बना हुआ था जो कि चमक रहा था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्प। तो जो कुछ विजिटर्स थे वो गाइड बुक्स में से धीरे धीरे उसके बारे में पढ़ भी रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली परहैप्स पाउंडरिंग टट्स अल्टीमेट डेथ इन हिज लेट टीन। और कुछ साइलेंटली उसे देख रहे थे और क्या सोच रहे थे कि ये इतनी टीन एज में ही कैसे मर गया। और वंडरिंग विद द शिवर इफ द पोरांस कर्स। पोराओस तो मैंने बताया ही था क्या होती है, वहां की राजाओं की जाति होती थी। वो शिवर मतलब काप रहे थे उसको देखकर। डेथ द मिसफॉर्चून फेलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वॉज रियली ट्रू। अगर उन्होंने वहां पे उसे उसकी आत्मा को डिस्टर्ब किया और कुछ बोला वहां पे और टट की आत्मा डिस्टर्ब हो गई तो उनको वहां पे शराब मिल जाएगा। अब क्या है? द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s सेड जाही हवस। जाही हवस ने क्या बोला कि जो मम्मी है वो बहुत बुरी कंडीशन में है। और वो बुरी कंडीशन में क्यों है? क्योंकि जो कार्टर है उसने 1920 में उसके साथ कुछ कर दिया। ये जाही हवस कौन है? जाही हवस सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम कोर्ट काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज। ये जनरल सेक्रेटरी थे किसके? इजिप्ट सुप्रीम कोर्ट काउंसिल के। ही लीन ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक। अब वो क्या करते हैं कि जो टट का कॉफिन होता है उसे खोलते हैं और उनकी बॉडी की तरफ उन्हें देखते हैं। हॉवर्ड कार्टर दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट। जो कार्टर था वो कौन था? वही आर्कोलॉजिस्ट था जिसने उनकी बॉडी को डिस्कवर किया था। हु इन 1922 डिस्कवर्ड, जिन्होंने 1922 में उनकी बॉडी को डिस्कवर किया था। टट स्टॉर्म आफ्टर अ ईयर फुल टाइल सर्च इट्स कंटेंट्स दो हेजिटली रैंकसेड इन एटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। अब क्या बता रहे हैं? जो कार्टर था उसने 1920 में जो उस कॉफिन में चीजें थी ना, जहां उसमें सारे सामान रखा हुआ था, उन्हें इधर उधर कर दिया था। पर जब उन्होंने देखा तो सारी चीजें वहीं पे थी और पूरी की पूरी चीज थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द पोराउस लीजेंड्स। उसमें सारी की सारी रॉयल चीजें थी जो कि राजा यूज करते थे, उस कॉफिन में रखी हुई थी। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड देयर एटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रेजुक्रेशन। रेजुक्रेशन क्या होता है कि दोबारा से रीबर्थ होना, मतलब पुनर्जन्म। उनका क्या मानना था? वो चीजें वहां पे वो क्यों रखते थे कि जब राजा का दोबारा जन्म होगा तो उन्हें उन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। कॉज अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी। जब उन्हें डिस्कवरी मतलब उन्होंने उसमें देखा निकाला तब उन्होंने ये सारी चीजें पाई। बट टट वॉज ऑल्सो ब्यूरिड विद एवरी डे थिंग्स ही डिड वॉन्ट टू आफ्टर लाइफ। बट टट के लिए और भी चीजें इम्पोर्टेंट थी जो कि उन्हें आफ्टर लाइफ के बाद चाहिए थी। और वो चीजें क्या क्या थी? बोर्ड गेम्स थे, ए ब्रॉन्ज रोजर था, लिनन अंडर गारमेंट्स थे, केसेस ऑफ फूड था एंड वाइन थी। अब क्या आता है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द पोराउस फ्यूनरी ट्रीजियर्स। फ्यूनरी ट्रीजियर्स क्या होता है कि जब अंतिम संस्कार करते हैं ना तो उसके बाद का जो खजाना होता है ना उसको बोलते हैं।
कुछ महीने बाद जब ये खजाना मिला तो कैटर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी उस कॉफिन की। अब कॉफिन खोलने का टाइम आ गया था, उन्होंने पहले उसे खोला और उसने देखा कि वहां पे जो मम्मी थी वो चादर ओढ़े हुई थी और उसपे क्या क्या रखा हुआ था, गार्लैंड्स ऑफ विलोव ऑलिव लीव्स रखी हुई थी, वाइल्ड शिलरी रखे हुए थे, लोटस पेटल्स रखी हुई थी, कॉर्न फ्लावर्स थे एंड फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल। तो क्या बताया जा रहा है कि उनको कब दफनाया गया था, मार्च और अप्रैल में, क्योंकि ये फूल मार्च और अप्रैल में ही उगते हैं। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, और जब उन्होंने वो चादर हटाई तो उन्हें क्या दिखता है, वो मम्मी। दो ही रन आउट इनटू ट्रबल, अब उनके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। द रिचुअल रीजंस, रीजंस क्या होती है, जो वो होती है ना ड्राई फ्रूट में होते हैं ना रीजंस, किशमिश उन्हें बोलते हैं, वो हार्डेंड सीमेंटेड टच टू द बॉटम ऑफ इज सॉलिड कॉल्ड कॉफिन। उनका जो रस था ना वो निकल चुका था और उस रस की वजह से जो मम्मी थी वो कॉफिन से बिल्कुल सीमेंट की तरह जुड़ चुकी थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिमेट फोर्स कुड मूव देम, कोई भी फोर्स उन्हें उससे हटा नहीं पा रहा था। कार्टर रोट लेटर, फिर कार्टर ने क्या लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, अब इसके साथ क्या किया जाए। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फॉर साउथर्न इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रीजंस फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फारेनहाइट। अब क्या करता है कि जो कार्टर था वो क्या बोलता है कि ना हम इसे सन में रख देते हैं और सन इसे एक हैमर की तरह तोड़ देगा और अलग कर देगा। तो कार्टर कब तक रखता है उसे सन में, जब तक उसकी 149 डिग्री फारेनहाइट तक हीट नहीं बन जाती। पर नथिंग बज, लेकिन इतने डिग्री के बाद भी वो अलग नहीं हुआ। कार्टर क्या करता है कि ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट, वो दुख वाले मन से अपने डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म कर देता है कि वो नहीं टूट रहा। और वो क्या लिखता है कि द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी सीजल्ड चिसेल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ एंड द लिम्स द ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये है चिसेल्ड है, चिसेल्ड किसे बोलते हैं, छेनी होती है ना, छेनी जब काम करते हैं घर बनाने में यूज की जाती है, औजार होते के उससे हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। अब वो अपने डिफेंस में क्या लिखता है कि हमारे पास ये एक ही चॉइस है, मतलब यही चॉइस है। इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड द रिप्ड इट पार्ट टू रिमूव द गोल्ड। अब वो क्या कह रहा है कि इससे तो होता कि वो चोर है ना, सारा उसका सोना निकाल लेंगे, उस गार्ड को है ना सर्कमवेंटेड, सर्कमवेंटेड मतलब बुद्धू बनाकर वो सोना सारा निकाल ले जाएंगे, और जब वो सोना निकालेंगे तो वो मम्मी अलग हो जाएगी। इन टर्ट्स टाइम द रॉयल वर फैबुलसली हेल्दी एंड दे थॉट और होप दे कुड टेक देयर रिचेस्ट विद देम। टर्ट्स के टाइम में राजाओं की क्या सोच थी कि जितना भी वो कमाएंगे ना, जितना भी उनके पास पैसा होगा वो मरने के बाद भी अपने साथ ले जाएंगे। फॉर हिज जर्नी टू ग्रेट बियॉन्ड किंग टर्ट वॉज लेविश्ड विद द ग्लिटरिंग गुड्स प्रीशियस कॉलर्स इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट रिंग्स एमुलेट्स एंड सेरेमोनियल एप्रन सैंडल्स शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टॉज। और जब वो टर्ट मरता है तो उसके साथ भी ये सारे सामान रखे जाते हैं, ये जो जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं। एंड द नाउ आइकोनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और ये सारे भी वजूनी के कॉफिन में रख दी जाती हैं। और वो सारे सामान किसके होते हैं, प्योर गोल्ड के होते हैं। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स कार्टन्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड। अब टट को निकालने के लिए क्या करता है कार्टन, सबसे पहले वो मम्मी के हेड को निकाल देता है उस छेनी से तोड़ के, और फिर वो जो मेजर जॉइंट्स होते हैं उनको तोड़ तोड़ कर निकाल लेता है। और जैसे ही सारे निकल जाते हैं तो वो क्या करता है कि उसे एक वुडन बॉक्स में रख लेता है जिसमें मिट्टी होती है, और वो मिट्टी जो टूटे हुए जॉइंट्स होते हैं ना उस चीज को छुपा रही होती है, ऐसा लगता है कि वो बिना टूटे निकला है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेज फोकसिंग लेस ऑन ट्रीजियर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल ऑफ लाइफ एंड इंटरग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। अब क्या बताया जा रहा है कि जो आज की आर्कियोलॉजी है ना, आर्कियोलॉजी होती क्या है, आर्कियोलॉजी वो होती है जब हम जमीन खोदते हैं ना, नीचे से हमें कुछ मिलता है डिकेड पार्ट्स या फिर कोई भी, उसके बारे में हमें
रिसर्च करना, वो होती है आर्कोलॉजी। तो जो आर्कोलॉजी आज की आर्कोलॉजी है वो अलग है, और जो कार्टर की टाइम की आर्कोलॉजी थी वो अलग थी, क्योंकि उस टाइम किस पे फोकस किया जाता था, जो बॉडी के साथ चीजें मिलती थी वहां पे, जो सामान मिलता था। और आज की आर्कोलॉजी में क्या डिस्कवर किया जाता है कि उनकी लाइफ कैसे थी, और वो कैसे जीते थे, और वो कैसे मरे। इट ऑल्सो यूजेज मोर सफोस्टिकेटेड टूल्स, मतलब जो आज की आर्कोलॉजी है वो बहुत सारे टूल्स भी यूज करती है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। और मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी बहुत चेंज आ चुके हैं। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी। अब 1968 में जब कार्टर्स की डिस्कवरी को कितना टाइम हो गया है, 40 साल। तो क्या होता है, एक प्रोफेसर होते हैं, वो क्या करते हैं, उस मम्मी का एक्सरे करते हैं, और एक्सरे करने के बाद उन्हें क्या दिखता है कि जो उनकी चेस्ट की, ब्रेस्ट की जो बोन थी ना, वो वहां पे एक नहीं थी, वो गायब थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिन कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी क्या होती है, सिटी स्कैन, ठीक है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी को क्या कहते हैं, सिटी स्कैन, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। और उसमें सिर्फ वो जो एक्सरे करते हैं ना, जब वो सिटी स्कैन होते हैं, तो बहुत सारे एक्सरे एक साथ रख दिए जाते हैं, हंड्रेड्स मतलब 100 एक्सरे एक साथ रख दिए जाते हैं, जैसे कि स्लाइस ऑफ ब्रेड हो, जैसे ब्रेड के स्लाइस होते हैं ना ऐसे, और जब वो रखे जाते हैं तो वो कैसा दिखता है, थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, जैसे कि एक 3D की तरह दिखता है और एक पूरी बॉडी हो। वट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील ऑफ टट देन एक्सरे। सिटी स्कैन में क्या रिवील आया एक्सरे से लेकर, एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। अब दो क्वेश्चन उन्हें जानने थे, और वो दो क्वेश्चन क्या थे, हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा, और जब मरा तो उसकी एज कितनी थी। किंगस्टर्स डेमिश वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। राजा का जब वो किंग मरा था ना टड, तो उसका कुछ अलग ही था कि वो कैसे मरा, क्या मरा, उसका कुछ डिफरेंट सा था। ही वॉज अ लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन। वो उन जब टट मरा ना, तो उसकी फैमिली का वो लास्ट मेंबर था। उसके बाद उनका मतलब उन जो राजा की वो पूरी चलती आती है ना एक, कि हाँ पहले एंसेस्टर्स थे, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, पर टट्स के बाद उनकी फैमिली में कोई था ही नहीं, उनकी वही जनरेशन खत्म हो गई थी। हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी, बट द पर्टिकुलरली ऑफ हिज पासिंग अवे इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। और मरने के बाद वहां इजिप्ट का क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, किसी को अभी तक पता नहीं है, वो अनक्लियर है। एमन होपटेप III, जो एमन होपटेप थे, अभी एमन होपटेप कौन थे, ये टट्स के या तो फादर रहे होंगे या फिर ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कौन होते हैं, दादाजी। वो था पावरफुल फेरोआ, अभी जो हमने बताया था फेरोआ क्या था, उनकी जाति, वो एक पावरफुल फेरोआ थे। उन्होंने रूल किया था कब, 4 decades तक रूल किया था, और हाइट ऑफ 18 dynasty गोल्डन एज। 18 dynasty गोल्डन एज कब की थी, मतलब 100 BC से आप पीछे चले जाओ, इतनी एज उस टाइम उन्होंने उस पे रूल किया था इजिप्ट पे। हिज सन एमन हेप्टप 4, जो जब उनके सन एमन हेप्टे चौथे आए, तो उन्होंने उसको अपनी कुर्सी दे दी, और अब उन्होंने रूल करना वहां पे स्टार्ट कर दिया था। ये अब हमें थोड़ा सा उनके पास्ट के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे टट राजा बना और कितने राजाओं के बाद वो अपनी कुर्सी को हासिल कर पाया। द न्यू फेरोआ प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन द सन डिस्क। अब जो वो राजा बना था कौन, एमन होटेप जो 4th था, वो राजा बना था, उसने क्या कर दिया था कि वहां पे आके उसने चेंज कर दिया था कि अब एटन की पूजा होगी, जो कि सन का भगवान है। चेंज हिज नेम, और अपना नाम बदल दिया, एकेनेटन अपना नाम रख लिया, और उसका मतलब क्या था, सर्वेंट ऑफ द एटन, और उसका मतलब क्या था कि वो एटन का नौकर है। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ऑल सिटी ऑफ थेबीज टू द न्यू सिटी ऑफ एकेटाटन। अब जो उसकी कैपिटल थी उसने उसको भी बदल दिया था, पहले उसकी कैपिटल क्या थी, थेबीज, अब उसने क्या रख दिया है, एकेटाटन, अब उसको क्या बोलते हैं, एकेटाटन, नोन नाउ अमारना, अब उसको क्या बोलते जाता है, अमारना। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अम्बून। अब पहले तो एक शॉक दे ही चुका था कि उसने किसकी वर्शिप स्टार्ट कर दी थी, किसकी पूजा स्टार्ट करवा दी थी, अटेन की। अब उसने किस पे अटैक कर दिया है, एमून पे, ए मेजर गॉड, जो कि एक भगवान था वहां पे।
स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल, उसकी सारी तस्वीरें तोड़ दी गई थी और उसके सारे मंदिर बंद कर दिए गए थे. ही मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, से रॉय जॉनसन. रॉय जॉनसन ने बोला था कि वो टाइम बहुत हॉरिफिक टाइम रहा होगा. और रे जॉनसन कौन थे? डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी चिकागो. चिकागो के यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे वो. और वो कहाँ थी? लेक्सोर में. द साइट ऑफ एंशियंट थेबीज, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, वॉज कमिंग टू एन एंड. एकेनाथन वेंट अ लिटल वैकी. वैकी मतलब क्या होता है यहाँ पे? पागलपन. क्या होता है? पागलपन. अब क्या बताया जा रहा है कि जो उसकी फैमिली थी ना, उन्होंने बहुत सेंचुरीज तक वहां पे रूल किया था, और जो वो एकेनाथन था वो थोड़ा सा पागल था, पागलपन सा कर रहा था. आफ्टर एकेनाथन डेथ, और उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ के बाद वहां पे कौन रूल करता है? सेमिन खाकरे अब वहां पे रूल कर रहा है, बट उसकी जल्द ही डेथ हो जाती है और उसका कोई भी नामो निशान वहां पे नहीं था, क्योंकि उन्होंने वहां पे कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे उसे याद किया जाए. अब इसके मरने के बाद एक नया राजा आ जाता है जो कि जवान होता है. उसका नाम क्या होता है? टटन खातेन. टटन खातेन कौन होता है? यही टट, जिसने अपना शॉर्ट नेम बताया हुआ है टट. ठीक है. द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम. इसने फिर से अपना नाम बदल दिया. अब इसने अपना नाम क्या रख लिया? टटन खामुन. टटन खामुन का मतलब क्या होता है? लिविंग इमेज ऑफ आमुन. अब जो जिसको उस भगवान ने खत्म किया था उसी नाम के ऊपर अपना इसने नाम रख लिया. एंड ओवर सो अ रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज, और फिर से पुरानी रीति रिवाज मानने स्टार्ट कर दिए. ही रैंक फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली. इसने 9 साल तक वहां पे रूल किया और फिर वो मर गया. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, टट इज वन वमी अमंग मैनी इन इजिप्ट. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि टट ने क्या किया, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ, वो भी एक ममी बन गया, जैसे कि यहाँ पे इजिप्ट में बहुत सारे हैं और उन्हीं में से वो एक ममी है. द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन इन इन्वेंट्री इन लेट 2003. यहाँ पे वो चल रहा था, प्रोजेक्ट चल रहा था, इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, जो कि 2003 में स्टार्ट हुआ, और उसमें 600 मम्मीज अभी तक रिकॉर्ड कर ली गई हैं और अभी भी काउंटिंग्स, मतलब अभी भी डिस्कवरी स्टार्ट है, अभी भी उसमें मम्मीज को खोज की जा रही है. द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज विद अ पोर्टल सिटी मशीन डिनोटेड बाय, किसने डोनेट किया था उस मशीन को? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस. इस मशीन को इसने डोनेट किया था और जो मम्मीज निकलती थी उनका सिटी स्कैन होता था इसी मशीन में. इट्स मैन्युफैक्चर किंग टड इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन. जो टड की मम्मी थी ना, वो सबसे पहली मम्मी थी जो इस मशीन में स्कैन हुई थी. इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रेगुलरली अहेड फॉर हिज कंट्री मैन. मतलब कि टड जब जिंदा था तब भी वो सबसे पहले था, और जो मरने के बाद भी वो सबसे पहले है, क्योंकि उसकी मम्मी सबसे पहले स्कैन होने जा रही है. अ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो. जो स्कैन करती है सिटी मशीन, वो सर से लेके पैर तक का पूरा स्कैनिंग करती है, और क्या क्रिएट करती है वो? 1700 डिजिटल एक्सरे. जो 1700 एक्सरे इमेजेस वहां पे पूरी बॉडी के वो क्रिएट करती है. टड हेड स्कैन, जो टड का हेड है वो स्कैन हुआ 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस में. टू रजिस्टर अ इंट्रिकेट स्ट्रक्चर टेक अ एरी. एरी मतलब, एरी डिटेल मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी डिटेल्स भी उसमें मिली इन द रिजल्टिंग इमेज. विद टड्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डिंग, अ टीम ऑफ स्पेशलाइज्ड इन रेडियोलॉजिस्ट फॉरेंसिक एंड एनाटॉमी बिगेन टू प्रोब द सीक्रेट दैट द विंग्ड गॉडेस अ ग्लाइडेड ब्यूरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर अ सो लॉन्ग. अब ये पूरी टीम आ जाती है, पूरी स्पेशलाइज टीम आ जाती है वहां पे उस टड की बॉडी को स्कैन करने के लिए, उस मम्मी को स्कैन करने के लिए, कि जो देवी ने राज आज तक छुपा रखा होता है उसकी डेथ का आज वो खुलने वाला है. द नाइट ऑफ द स्कैन, जिस रात को स्कैन होने वाला था, वर्कमैन कैरीड टड फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स. जो वर्कमैन होते हैं वो टड को उसके उससे टॉम से बाहर निकाल रहे थे, किसकी तरह? पाल बैरियर की तरह. और वो क्लाइंबिंग अ रैंप एंड फ्लाइट ऑफ द स्टेयर्स इनटू अ स्टिलिंग एंड सैंड आउटसाइड. जब वो उसे निकाल रहे थे तो उसमें से बहुत सारी धूल मिट्टी
झड़ रही थी। देन रोज अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इन टू अ ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। और वो दो आदमी आते हैं और उसे उठा के उसमें डाल देते हैं स्कैनर में। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट बाद क्या होता है कि उसी स्प्रिंटिंग फॉर अ ऑफिस नियर बाय, उसी मशीन में से दो आदमी बाहर आते हैं और वो क्या ढूंढ रहे हैं, क्या स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, वो क्या ढूंढ रहे हैं, एक ऑफिस ढूंढ रहे हैं। और उन्हें वो ऑफिस मिल भी जाता है। और जब वो वापस आते हैं तो वो क्या लेकर आते हैं, व्हाइट प्लास्टिक फैंस लेकर आते हैं। द मिलियन डॉलर स्कैनर हैड क्वाइट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कोलर फैन। जो वो स्कैनर थी जो कि मिलियन डॉलर की थी, वो खराब हो चुका था, वो मशीन खराब हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि जो मम्मी थी उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी थी और वो धूल मिट्टी कहाँ जाकर फंस गई थी, उसके कूलर फैन में, क्रश ऑफ द फरुआ। अब जो वो गार्ड है वो क्या बोलता है कि जो वहां का राजा था ना, जोक मारता है, वो बोलता है नर्वसली, बोलता है कि जो वो राजा था ना उसकी आत्मा ने ये मशीन खराब कर दी है। अब क्या होता है, इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैन वर्क्ड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। अब जो वो दो फैन, दो आदमी जो वो दो फैन लाए थे, उनकी वजह से वो मशीन काम करना फिर से स्टार्ट कर देती है। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियन टर्न्ड टू टट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरीड हिम बैक टू हिज टोम। अब जो टेक्नीशियन है वो चेक करते हैं उस मशीन में सारा डाटा कि स्कैन हुआ या नहीं, और स्कैन हो जाता है, फिर टेक्नीशियन उसे बोलते हैं वर्कमैन को कि अब टट को वापस टोम में रखो। ये पूरा प्रोसेस करने में कितना टाइम लगा उन्हें, 3 घंटे, जब से उन्होंने कॉफिन में से निकाला उसका स्कैन किया और दोबारा उस कॉफिन में रख दिया। द फरोआ अगेन रीसेट अ पीस वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो। अब फिर से जो वो राजा था पीस में चला गया, जहां उसे शांति मिल गई है, जब वो मरा था तो पंडितों ने उसे दफनाया था, तभी वो वहां पे शांतिपूर्वक था, ऐसे ही अब वो उसमें चला गया है। बैक इन द ट्रेलर आर टेक्नीशियन पुल्ड अप अ एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। अब जो टेक्नीशियन है वो उन इमेजेस को उस कंप्यूटर में आगे कर करके दिखा रहा है। अब उसमें क्या दिखा रहा है, एक ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्केटरिंग ऑफ पिक्सल्स, जिसका सर है वो ग्रे ग्रे दिख रहा है। एंड द टेक्नीशियन स्पून एंड टिल्ट इट एवरी डायरेक्शन, और उसे हर डायरेक्शन में घुमा घुमा के वो दिखा रहा है। नेक वर्टिब्रू अपियर्ड एज अ क्लियरली एज इन अ एनाटॉमी क्लास, और जो उसके गली की जो नसें थी ना, जो वो हड्डियां थी, वो ऐसे दिख रही थी कि जैसे तो वो एनाटॉमी क्लास में बैठे हो, जो मेडिकल क्लास होती है ना उसमें बिल्कुल क्लियर दिखता है, उसको बोलते हैं एनाटॉमी क्लास। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड सेवरल व्यूज ऑफ रिब केज, और जो और इमेजेस थी उनमें उसका हैंड भी दिखा, उसकी रिब केज भी दिखी, एंड अ ट्रांसेक्शन ऑफ स्कल, और उसका स्कल भी दिखा। बट फॉर नाउ अ प्रेशर वॉज ऑफ सिटिंग बैक इन हिज चेयर साई जाही हवस। अब जाही हवस कौन था, जिसको ये सारा काम करना था, अब वो चुपचाप बैठ के एक स्माइल के साथ बैठा हुआ है उस कुर्सी पे, और अब जो हवा थी वो सारी रुक चुकी थी, अब इधर सब शांतिपूर्वक था क्योंकि उसका काम जो था वो पूरा हो चुका था। आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट, वो क्या बोलता है कि मैं सारी रात सोया नहीं हूं, बल्कि मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया हूं, उसने ये बोला। आई वॉज सो वरिड, मुझे बहुत टेंशन थी कि क्या होगा और क्या नहीं, तो इस वजह से मैं सो भी नहीं पाया, लेकिन अब मैं सो सकता हूँ क्योंकि वो काम पूरा हो गया। बाय द टाइम ही लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड एंड द विंड हैड स्टॉप। अब वो वहां से जा रहा होता है, और जब जा रहा होता है तो जो हवा होती है वो बिल्कुल रुक जाती है, और अब हवा कैसी चल रही होती है, विंटर एयर ले कोल्ड, बिल्कुल ठंड में जो हवा चलती है ना वैसी चल रही होती है, कैसे, जैसे तो डेथ की तरह। डेथ को हमेशा ठंड से कंपेयर किया जाता है, बिल्कुल ठंडी चीज से। इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ डिपार्टेड जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ टट स्टॉम स्टूड ओरियन। जो टट का वो था ना वहां पे टॉम, उसके जो गेट पे एक स्टूड ओरियन था, मतलब एक स्टार की शेप में वहां पे बना हुआ था, और उसे क्या कहते हैं, सोल ऑफ ओसिरिस, उसकी आत्मा को कहते हैं, और इसकी आत्मा को कहा जाता है स्टूडोरिन को, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। और किसकी आत्मा बोली गई है, वो गॉड जो कि आफ्टर लाइफ हमें मिलता है। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और उसको देखता है, किसको, कौन था बॉय किंग, उस टट को। ये थी हमारी पूरी स्टोरी डिस्कवरिंग टट।